बोले भारत माता की। दिन रात की मेहनत लगती है, ये काम विकास के विजन से होते हैं। ये काम तब होते हैं जब नियत सही होती है। अबू धाबी में भी भगवान श्री राम जी का मंदिर है, उसको भी हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, इसका पूरा श्रेय वो आपको जाता है मान्यवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुरुग्राम में 8 लेन वाले द्वारिका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से जहां एक तरफ दिल्ली की भीड़ कम होगी, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के 50 गांवों की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। 60,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया यह एक्सप्रेसवे भारत के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का अहम भाग है। इससे मौजूदा नेशनल हाईवे 48 पर भी ट्रैफिक में कमी आएगी और दिल्ली व गुरुग्राम के बीच यातायात सुगम होगा। देश के कोने कोने में लाखों लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। एक जमाना था, दिल्ली से विज्ञान भवन से कार्यक्रम होता था, देश जुड़ता था। वक्त बदल चुका है, गुरुग्राम में कार्यक्रम होता है, देश जुड़ जाता है। ये सामर्थ्य हरियाणा दिखा रहा है। देश ने आज आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ एक और बड़ा अहम कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारिका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। मैं दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की जनता को इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय समारोह में गुरुग्राम के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों के लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की 114 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुग्राम से हरियाणा प्रदेश को 4 बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 4,890 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शामली अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग की नींव रखी, जिसकी लंबाई करीब 43 किलोमीटर रहेगी। वहीं 1,330 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भिवानी हांसी रोड, जिसमें कि 4 बाईपास और चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण शामिल है, इसका शिलान्यास भी किया। साथ ही 4,087 करोड़ रुपए की लागत से तैयार द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 व 4 भाग वाली 2 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है, उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। साल 2024 में ही, यहां के लोग तो ज्यादा समझदार है, आप सुनिए, 2024 में ही, यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इतने कम समय में अब तक 10,00,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। और मैं जो कह रहा हूं ना,
ये तो मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहा हूं जिनमें मैं खुद शामिल हुआ हूं। उसके सिवाय मेरे मंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो किया वो अलग। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मंच से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी जमकर बरसे। यहां तक कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन तक कह दिया। कहा कि विकास के इतने काम को देखकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं की तो नींद ही उड़ गई है। 10 सालों में देश जरूर बदला है लेकिन कांग्रेस का चश्मा नहीं बदला। बीजेपी की सरकार आने से पहले की सरकारें सिर्फ घोषणाएं करती थी, तब परियोजनाएं डिले होती थी, लेकिन अब परियोजनाओं की डिलीवरी होती है। बीजेपी कांग्रेस खोदे गए गड्ढों को भर रही है। करोड़ों करोड़ों नागरिकों को इतनी सारी विकास की योजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, समस्या और संभावना में केवल सोच का फर्क होता है और समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना, ये मोदी की गारंटी है। बिहार का एक्सप्रेसवे खुद इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज यहां द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। एक समय शाम ढलने के बाद लोग इधर आने से बचते थे, टैक्सी ड्राइवर भी मना कर देते थे कि इधर नहीं आना है। इस पूरे इलाके को असुरक्षित समझा जाता था, लेकिन आज कई बड़ी कंपनियां यहां आकर अपने प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सराहना भी की, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री का हरियाणा के प्रति विशेष लगाव रहने की बात कहते हुए कहा कि 10 सालों में केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा विकास की नई गाथा लिख रहा है। हरियाणा की 2,82,06,995 के सदस्यों का की ओर से आपको बहुत बहुत आभार प्रकटता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ये बड़ा खुशी का दिन है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो, जैसा आदरणीय गडकरी जी ने बताया, हमने मांग की थी कि गुरुग्राम का जो हाईवे है, जयपुर हाईवे, वहां ट्रैफिक ज्यादा है, इसलिए एक बाईपास के रूप में द्वारका एक्सप्रेसवे ये बना दिया जाए। इन्होंने पूछा कि कितना पैसा लगेगा, हमको ये अनुमान नहीं था जो आज स्वरूप देख रहे हैं। एक सामान्य बाईपास निकलता है तो मैंने भी कह दिया कोई 200-300 करोड़ रुपया लग जाएगा। नेशनल हाईवे की ओर से इतनी सहायता हमारी हो जाए हमको अच्छा लगेगा। लेकिन जब प्रोजेक्ट का बनाया गया और बनने के बाद ये तैयार होकर के आज जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोगों ने भी उसका अवलोकन किया, तो वास्तव में एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये जो प्रोजेक्ट बना है, इस प्रोजेक्ट के बनने से न केवल गुरुग्राम, न केवल हरियाणा, बल्कि उत्तर भारत के सब राज्य, दक्षिण भारत के सब राज्य, पश्चिम के हिस्से के लोग, चाहे एयरपोर्ट आना जाना हो दिल्ली से बार बार, चाहे हमको जयपुर जाना हो, मुंबई जाना हो, इसका बहुत बड़ा उपयोग। और ऐसा प्रोजेक्ट जैसा वर्णन किया है हमारे नितिन गडकरी जी ने, इस प्रोजेक्ट को देख करके बहुत ही प्रसन्नता हुई। आज बहुत मैं आपके आगमन पर, इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के अवसर पर मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मेरा सपना है कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है। उसके लिए उन्होंने लोगों से अपना समर्थन मांगा तो लोगों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर उनको विश्वास दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।